soo taasiga koox dhamaanayna yaan la qashin xalad ee saaba fanaan dad dinaa saaskan soo taasiga SHG यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप कारगिल में पिछले कई सालों से चल रही है, जिससे घरेलू ख़वातीन की ज़िंदगी माशी तौर पर ख़ुद कफ़ील, खुशगवार और ख़ुद एतमाद बनाने में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। SHG से भरपूर फ़ायदा उठाकर माशी तौर पर ख़ुद कफ़ील होने वालों में एक मिसाली ख़ातून फ़ातिमा बानो की है, जो सरहदी गांव लतो से ताल्लुक़ रखती है। ये गांव कारगिल कस्बा से 24 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। फ़ातिमा बानो ने 5 दीगर ख़वातीन के साथ मिलकर एक SHG तश्कील दी, जिसको उन्होंने 2 अलग अलग ग्रुप में तकसीम किया। इस तरह फ़ातिमा बानो ने सोलर ग्रीन हाउस चलाने की ज़िम्मेदारी ली, जबकि दीगर ख़वातीन को किराना दुकान चलाने की तरगीब दी। निबिया क्यों माने बिया ना शेषपा मालपुरा बिया क्यों माना ना ब्याशी संगता नुकसान होगा सामसंगास संबात आहवाक सिका ब्याशी ना गता नुकसान होगा तो पर से फैचिक दुकान ही सामान क्यों फैचिक दुकान ही सामान क्यों से दुकान तामाना ए ब्याशी ना गता ले दी तो खोलूँ पुस पलूँ सामसंग अचास और दो चौला फैचिक बिया क्यों फैचिक दुकान ताजू देखिए अपने बिया ना बिया शिया मशीन अचास सोंस बिया देखा दुकान पुस्तूल लोई खाचिक स्टूल दुकान ये अपना कौन सा गैस गता अलग अलग तंग जैस दुकान अलग अलग तंग गते अलग अलग लस बेच जमाने या दोस्ती ठीक सों अलग अलग दुकान ताना अलग अलग लस बेच ना दोनों ठीक सों जरा गचास अलग सों जिया अलग सों जरा गचास सुम पो यंबो दुक्सियों सुम पो यंबो दुक्सियों सुम पो कुंतेस अलग लस बेनियो गचास सुम पो सास तापसे दू चोहला गचास पोदिनास पोसे या सब्जी तापसे जून खेरे चोंगेन जून पोदिनान खेरे चोंगेन गचास दू चोहला बिजनेस बेसे गचास आगे सों सिं जिया कौन इस एनआरएलए में गप ना गया 15,000 ताँस 15,000 इर्गे अपने 6 महीने इर्गे अपने 40,000 ताँस ने ओदों ओदों निकांग अच्छा लास बेन अच्छा आगे आगे बिंगे सों सीन जो अच्छा लास तुल न्यों सीन पहले रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ये कहने की कोशिश करता है कि लोगों औरतों को ये समझ पाए कि उनके बीच में एक कोऑर्डिनेशन हो जो इनके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए फिर उसके बाद इनको सबसे पहले समाज को सोशल मोबिलाइजेशन में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि इनको इंटरनल कलेक्शन किया जाए, यानी एक दूसरे से कलेक्ट किया जाए पैसे और इनके मेन अकाउंट में उसको ड्रॉप किया जाए। फिर उसके बाद जो ही सेल्फ हेल्प ग्रुप बनने के बाद नेशनल NRLM उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को 6 महीने के बाद, यानी आज सेल्फ हेल्प ग्रुप बन गया 6 महीने के बाद, आज की डेट में 30,000 रुपया स्कीम से दिया जाता है उस सेल्फ हेल्प ग्रुप की ज्वाइन अकाउंट में। यहाँ इंडिविजुअल अकाउंट नहीं होता है मैडम, यहाँ ज्वाइन अकाउंट होता है। तो उस स्कीम उसमें 30,000 रुपया दिया जाता है और वो 30,000 प्लस उनका जो इंटरनल कलेक्शन है उसको जोड़ करके ये लोग इंटरनल लैंडिंग किया जाता है, यानी जिसको रिक्वायर्ड है उस सेल्फ हेल्प ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं उसको जिसको पैसे की रिक्वायर्ड है, या छोटे छोटे बिजनेस जो हमारे गांव में होता है, जैसे छोटा सा एक दुकान गांव में बनाया जाता है जिसमें तेल मिलता हो, हगीस मिलते होंगे, बाकी चीज़ें जो गाँव की रिक्वायर्ड है किराने टाइप का वो बनाने के लिए वो उसी सेल्फ हेल्प ग्रुप से लोन लिया जाता है। तो लोन क्या होता है, जैसे 6 महीने के बाद 2 सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर क्या कहता है कि हमें लोन दिया जाए, तो वो जो 30,000 NRLM से मिलता है और जो ये लोग कलेक्ट करता है महीने के हिसाब से, उन दोनों को जोड़ करके 2 को इंटरनल लैंडिंग किया जाता है। वो इंटरनल लोनिंग
जिसको बोलता है, सिक्किम में इंटरनल लैंडिंग की बात करता है। फिर उसके बाद आरएफ मिलने के बाद, रिवॉल्विंग मिलने के 8 महीने के बाद सिक्किम से हम लोग 1,40,000 रुपये दिया जाता है उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को। उसका शर्त यह है कि हम सर्वे करते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या इंटरनल कंटिन्यू मीटिंग करता है, क्या ये लोग सेविंग कर रहा है, क्या इनको आरएफ मिला है, क्या ये लोग छोटे छोटे गाँव के लेवल पर बिजनेस करना शुरू किया है, क्या ये लोग कोऑर्डिनेशन में है, यानी एक दूसरे मुस्तहकम युत, उस चीज़ को देखा जाता है। देखने के बाद वो इस कैटेगरी में फाल होता है तो उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को 8 महीने के बाद 1,40,000 रुपये दिया जाता है 8 महीने के बाद। अब आप अंदाज़ा लगाइए 1,40,000 प्लस वो 30,000 प्लस जो इनका सेविंग हुआ 8 से 10 10,000 जमा होता है तो लगभग कितना हो गया 40, 50, 60, 70 लगभग 1,80,000। फिर उसके बाद और लोनिंग किया जाता है, इंटरनल लोनिंग किया जाता है, फिर वो जो पैसा इनके मेन अकाउंट में वापस आ जाता है, फिर वो इंटरनल लोनिंग किया जाता है और वो लोन जो है 100 रुपये में 1 रुपया इंटरेस्ट लेता है। यह स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर हम वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप या वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर अगर बैंक से लोन लिया जाता है उनसे 12% इंटरेस्ट लिया जाता है, लेकिन वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर अपने ही ग्रुप से लोन लिया जाता है तो वो 100 रुपये में 1 रुपये इंटरेस्ट दे देता है। तो इंटरेस्ट का पैसा भी ग्रुप को जमा हो जाता है, इंटरनल लैंडिंग का पैसा जमा हो जाता है, आरएफ का पैसा, सीआईएफ का पैसा। तो इस तरह से हम ग्रुप को आगे आगे ट्रेनिंग दे करके इनको सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंस की जो हम कॉन्सेप्ट है उसकी बात करते हैं तो उसकी तरह से हम ग्रुप को सेल्फ रिलायंस की तरह लेके जाता है। फातिमा बानो ने इस सोलर ग्रीन हाउस में मुख्तलिफ़ कस्म की सब्ज़ियाँ उगाना शुरू किया। फातिमा सुबह सवेरे उठकर घर के बाकी कामकाज ख़त्म करने के बाद सब्ज़ियों की देखभाल में लग जाती है। इस दौरान तैयार शुदा ताज़ा सब्जियों को जमा करके अपने शोहर के साथ 24 किलोमीटर की मसाफत तय करके कारगिल बाज़ार जाती है, जहां वो सब्जियों को मुनासिब दामों में बेचने के बाद शाम को घर वापस आती है। मजा लेकर सोच से क्यों से पहने उसको से ताँचा आया कौन उसको से ताँचा खोने पहने हिसाब यूँ जो गा है ना 3,000 से होंगे गाह 1,000 से होंगे महीने नुक महीने नुक अच्छा 15-30,000 बाँचे होंगे दया 15-20,000-30,000 सब होंगे दया। सब्जियों के अलावा फातिमा बानू ने मुख्तलिफ कस्म के मेवे दरख्त भी लगाए हैं, जिनमें खुबानी, नाशपाती, अंगूर, सेब वगैरह शामिल है। मस्कुरा मेवाजात तैयार होने पर वो इससे लेकर कारगिल बाज़ार में बेचती है, जिससे काफ़ी आमदनी हासिल होती है। ज़रात व बागबानी को लेकर शौक़ व ज़ौक की इंतहा है कि फातिमा बानो ने ग्वालियर, मध्य प्रदेश से केले और अंजीर का पेड़ और कश्मीर से चिनार का पौधा लाकर उगाने की कोशिश कर रही है। मैं जो अचार दू गलर न खुरो अचार गुण गलर लसो मैं दुख पा अच्छी बुच्छी ड्यूटी होते दुख पसो से ना नहीं आस ना या चौखान का तो यो छू दुआ बाजार ला दो निकाने खेव से डेरे हाथे ने जाग से हंडा का छू तंग जाग से यूँ चना सा मान मे खुर चुपा जहाज सिंह जैसे जहाज सिंह मान खुर मेखुर चुपा फाँस ताम फलान ब्याज किराई अंगा ना बराबर लेन मत ए ब्याज दो ब्याज जरा सा नंगा स्ट्रोक जो है स्ट्रोक नंगा ची निशारे संग मखुर मान फलान फिस्तान खेन गामल टेंशन सा मजे गा ना मान टेंशन सा खुर चाहिए
माजहास इन फुट ताहना ता फास ताहना ता खुर छ छ जरहास न्यो से क्यों से जा से हंडा छु ता जा से यूं सनास खुर हो जा। फातिमा बानो की मेहनत ये जाहिर करती है कि वो अपने मशगले से मुतालिक कितने संजीदा और लगाव रखती है। उनकी मेहनत ने उनको पूरे इलाके में एक मिसाली खातून के तौर पर उभारा है और आजकल उन्हें लखपति दीदी के नाम से भी जानी जाती है। लतो गांव दरिया के सतह से तकरीबन 400 फीट की ऊंचाई पर वाक़ है, जिसकी वजह से यहाँ पानी की काफ़ी किल्लत पाई जाती है। यहाँ नल का पानी रोज़ाना सिर्फ 1 या 2 घंटे तक मुहैया रहती है। इन मुश्किलात और परेशानियों को नज़रअंदाज करके फातिमा अपने शोहर निसार हुसैन के साथ कैन से पानी भर के सब्जियों और मेवों को पानी डालते हैं। मगर मजबूर सो दे एलो खोर दिलो खोर चा मेता छू खा सो सपन मे नजू छू खा सो सपन जून तब इन जून इन जूर फुत खेल सोचा जूर तपचा जूर फुत खेल सोचा जूर तपचा लस बेत पया दरंगा छू माछा नंगा मजबूर सो छू मत पन गाला दी ग्रीनो सुमको दी यतान थों दया हाल हालत पे यतान थों या गारी उरबेक दुगा गारी पेबी पेप चगा छु क्यों से तामी छु दुगा मैंने पेप चले यतना सचाइन पे उरबेक गोस्ता मेन पा पेप चगा गारी मर्जी के क्यों से तामी छु यतना खुरा चाचाइन पा ना दो आमे दया जगो से घंटा फे छु मन गा के खेर यतान दना छु हालत पहुंचता ने दया का छु पेप पोचक छुते आर्मी मचात पे दना छु हालत पहुंचता ने दया तंगा ओदो जगो से घंटा रेरे उमत गा चा छु घंटा रेरे छु मन गा सोन पो बेरेल चि गामत सोन पो बेरेल चि 500 लीटर ने सा मिले दो 200 लीटर 200 लीटर गा बेरेल चि गामत ओ दे कांगा चि बेक गा चंग बस गार थोरु गमा छु मत पना गा मगा गार थोंचा मेना मेद ने पेने ने दुनिया भर क्यों पंगा साली नु 2-3 लाख गास कमाई बेक पा। अगर ची पानी की कमी के बावजूद काश्तकारी को जारी रखना मुश्किल काम है, लेकिन इसके बावजूद फातिमा बानो ने काश्तकारी करके ये दिखाया है कि मेहनत व लगन और जिद्दोजहद के सामने कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। इस तरह वो इलाके में एक मिसाली खातून के तौर पर जाने जाते हैं। जब से फातिमा बानो ने SHG से मुंसलिक हुई है और इसके तवसुत से अपने कारोबार और मईशत को बढ़ाया है, उसमें एक खुद एतमादी भी बढ़ गई है, जिसके सबब वो माशी तौर पर खुदकफील होने के साथ साथ कारोबार में तजुर्बा और लोगों के साथ लेन देन बढ़ाने के अलावा अहम शख्सियात और अफसरान से एतमाद के साथ बेहतर तौर पर गुफ्तगू करती है। फातिमा बानो की तरह कारगिल में बहुत सारे ख्वातीन ऐसे हैं जो SHG से मुंसलिक हैं और मुख्तलिफ कस्म के मकामी अशिया तैयार करती है, जिनमें अचार तैयार करना, खुबानी के मसनूआत, ऊन के मसनूआत, कपड़ों की सिलाई, सब्जियों की काश्तकारी, लोकल बेकरी के मसनूआत और मेवे का पैदावार वगैरह काबिले जिक्र हैं। यह जो अच्छी दी सेवा सेंटर पे अनुगाचस पहला अचान बाल खाल भी ट्रेनिंग टास्कों इस दक्षिण दी टेंडी अनुगाचान बाल खाल भी ट्रेनिंग टास्क अच्छे दी के न पैदा लेने अच्छे दी अनुगाल खाल बात सुकास बाल खाल बा क्यों ना अच्छे से केलो 800 रुपया लेने अच्छे से खा लेता मत या अते संग बाल क्यों से न्यो से क्यों से अच्छे दी अनुबाल खाले अच्छे टूट सो मत या दो ना यंग दक्षिण अच्छा अदु पैदा यों स्की दी अन अच्छे दस ना युद पिबाल गांव मार या परेस पांग इन अते दे खेमसा ने बो पांग ने तो दारे अच्छे दो मी पांग चबासे अति बाल पर नुकसान मी छा चबासे अच्छे दी अनुबाल खाले अति बाल सख क्यों से खाले दो ला से अच्छे दो अचो मान अच्छे अते बाल खाले चो ना अच्छे रुपया 2500 रुपया अच्छे फूल बनियान चो मत या हाफ अच्छे 1800 रुपया हाफ चो मत बनियान अते अति बाल तांग से अते खाले SHG से मुतालिक जब हमने ACD प्रोजेक्ट मैनेजर वेजिस गुलाम मोहम्मद से बात की तो उन्होंने बताया कि जिले कारगिल में कुल 443 SHGs रजिस्टर हैं, जो 5 ब्लॉक में फैले हुए हैं।
नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन 2016-17 में कारगिल में स्टार्ट हो गया। यूटी लद्दाख बनने के बाद इसको रिवाइव हो गया है, यानी हमारा यूटी लद्दाख बनने से पहले 223 चले फैले ग्रुप 5 ब्लॉक में हमारा बना था, जिसमें टीएसजी शामिल नहीं था। लेकिन हमारा जो ही हम लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया, उसके बाद हमारा 223 से लेकर के 443 टोटल सेल्फ हेल्प ग्रुप 5 ब्लॉक में हमारा बन गया था एनआरएलएम में। यानी इसको एक नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है, इस स्कीम का नाम है नेशनल लेवल पे, अब इसको लद्दाख रूरल लाइवलीहुड मिशन नाम दिया जाता है उस स्टेट के हिसाब से या यूटी के हिसाब से। तो इसके हिसाब से यूटी बनने के बाद हमारा एंडिंग मार्च 2023 तक 443 सेल्फ हेल्प ग्रुप 5 ब्लॉक में थे, जिसमें करगिल, सोत, टीएसजी, संघ और बरसो ब्लॉक में। उसके बाद यूटी लद्दाख ने रिसेंटली 2 महीना पहले एक एमओयू हैदराबाद तेलंगाना के साथ एक एमओयू साइन किया, जिसमें हमें इंटेंसिव ब्लॉक्स में ये जो 5 ब्लॉक है उसको फिर से और अच्छी तरह से सेल्फ हेल्प ग्रुप में चेंज करने के लिए एमओयू के हिसाब से पीआरपी सीआरपी आए। अभी वो लोग 5 ब्लॉक में काम कर रहा है। तो उनका काम यही होता है कि सोशल मोबिलाइजेशन होता है कि औरतों को समझाना सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होता है, इंटरनल लैंडिंग क्या होता है। इन एसएचजीस में कुछ रिवायती और मकामी अशिया की पैदावार पर काम कर रहे हैं, जैसे खुबानी, सेब, सीबकथान यानी छक्सक्योर, शहतूत, मरखुर, ऊनी कपड़े वगैरह पर काम कर रहे हैं। कुछ ग्रुप गैर मकामी और नए नए अशिया को करगिल में फ़रोग देने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे लीलियम और ग्लेडियलस के फूल, मशरूम की पैदावार, खरबूज, तरबूज, इंजीर, नाशपाती, स्ट्रॉबेरी वगैरह की कामयाब काश्तकारी की है। कुछ एसएचजीस रोज़मर्रा की ज़रूरी अशिया जैसे नैपकिन पेपर, सैनिटरी पैड्स वगैरह को मकामी तौर पर तैयार कर रहे हैं। तो मान के चलो एक गांव में अगर हम ये मान के चले 30 सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो 10 सेल्फ हेल्प ग्रुप पर एक वीओ बन जाता है, जिसको ये कहा जाता है विलेज ऑर्गेनाइजेशन। हर सेल्फ हेल्प ग्रुप से एक एक मेंबर जो है उस वीओ का बॉडी बन जाता है, एक प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी, एक कैशियर, इस तरह से बॉडी बन जाता है। तो फिर उसके बाद वो वीओ एक सीएलएफ बन जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वो सीएलएफ हो जाता है, कम्युनिटी लेवल फेडरेशन। हर वीओ, एक गांव में 2 वीओ होगा, एक गांव में 3 वीओ होगा, एक गांव में 1 वीओ होगा, हर वीओ अपना एक मेंबर सीएलएफ में रिप्रेजेंट करता है, उसमें भी बॉडी बन जाता है, उनका भी मेन एक ज्वाइंट अकाउंट बन जाता है। हम जो आरएफ पहले सीएलएफ को देता है, सीएलएफ वीओ को लोन देता है, फिर वीओ उस सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन देता है। करगिल के मकामी अशिया का मुल्की और बैनल अक्वामी सतह पर काफ़ी मांग है, लेकिन इन अशिया को सही पैकेजिंग और लेबलिंग न होने की वजह से इनको मार्केट में सही मकाम नहीं मिल पाता। एज असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट मैं फील कर रहा हूँ पूरी डिस्ट्रिक्ट में, ना कि मेरा एनआरएलएम ही, हमें सबसे प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पैकेजिंग क्या हो। प्रोडक्ट हमारे पास है, अब जो भी प्रोडक्ट अगर हम कहें, अगर हम जिसको हम फॉलोलिंग कहता है उर्दू में, हम इसको क्या कहेंगे, फॉलोलिंग जो हमारा अपना प्रोडक्ट है, मेडिसिनल प्रोडक्ट है, तो वो हमारे पास वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जिसको हम ये कहेंगे कि एक लैंग्वेज में फॉरेस्ट प्रोडक्ट होता है, वो बिल्कुल हमारा बिल्कुल साफ प्रोडक्ट है। लेकिन हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर को ये समझाने की कोशिश करता है कि आप इसको जमा करें, लेकिन जमा भी वो लोग करता है, लेकिन इसके लिए पैकेजिंग एंड लेवलिंग नहीं है। तो ये प्रॉब्लम क्यों है? ये प्रॉब्लम इसलिए है कि कोई भी डिपार्टमेंट रिप्रेजेंट नहीं करता है डिस्ट्रिक्ट में कि वो पैकेजिंग कौन देगा, इनको वो अवेयर नहीं करता है, इनको ये मटेरियल नहीं मिलता है कि वो पैकेजिंग कैसे करें, उसको किस चीज़ में पैकेजिंग करें, प्लास्टिक में करें, कागज़ में करें, किस चीज़ में करें, और साथ में उसका लेबलिंग कैसे करें। रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने VDVK है, वंदन विकास केंद्र करके, हम लोगों को रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को एक स्कीम आ गया है, जिसमें उनका क्लियर यही मेंशन है कि कैसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को पैकेजिंग का कंसेप्ट दे दें,
कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को लेबलिंग का कंसेप्ट देते हैं। इसको रिसेंटली मैंने टेंडरिंग करके मैंने इनको अलॉट दिया है, शायद हफ्ता या 10 दिन तक वो मशीन हमें पहुंचना चाहिए। उसमें दो तरीके का मशीन है, एक है एब्रिकॉट ऑयल प्रोसेसिंग का कि ऑयल कैसे बनाया जाए, जैसे हम लोग चुली मार कहते हैं कि चुली मार सीड्स का कैसे ऑयल बनाया जाए, एक वो है। दूसरा उसका पैकेजिंग है, वो 200 लेवल का किस कौन सा बोतल होगा, किस किस्म का बोतल होगा, 500 क्या होगा या 1 लीटर का कौन किस्म का बोतल होगा, और साथ में उसका लेबलिंग भी है। इन ख़वातीन को मज़ीद तरक्की देने के लिए सही तरबियत और काउंसलिंग की भी ज़रूरत होती है जो मुख्तलिफ सरकारी महकमे फराहम करते हैं। ताहम इन महकमों में भी माहिरीन की कमी की वजह से आलात की ख़रीदारी के लिए सही रहनुमाई नहीं मिल पाता। हमारा प्लान अभी चल रहा है, जैसे सोत और करगिल में हमने एब्रिकॉट ऑयल का मशीनरी लाया है, ये फाइनल स्टेज में है। टीएसजी में हमने क्योंकि टीएसजी एक एग्रीकल्चर साइट से बहुत अच्छा वाइब्रेंट विलेज है, उसमें पोटैटो का काफ़ी मतलब ये हमने सर्वे किया था, पोटैटो का काफ़ी कंसर्न, चिप्स का हमने उसमें चिप्स का हमने मशीनरी का रिकमेंड किया है। शंकू में हमने सोस्क्यूर सीबक थान उसका कैसे जूस बने वो वाला हमने रिकमेंड किया है। दोनों ब्लॉक का अभी हमारा प्लान सेंक्शन नहीं है, अगर वो सेंक्शन हो जाता है तो फिर हम सेम करगिल की तरह हम इसको ऑफर करेंगे, फिर ला करके इन्हीं सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर को देंगे। यहाँ से टीएसजी में चिप्स बनना चाहिए और वहाँ पे वो दूसरा प्रोडक्ट बन करके वो कैसे हम उसका पैकेजिंग करें, कैसे हम इसका लेबलिंग करके मार्केटिंग करें, हम इस पर काम कर रहे हैं। वाज़ह रहे इन सारे मुश्किलात के बावजूद मुल्क हिंदुस्तान के साथ साथ कारगिल में भी SHG गाँवों में गरीबी कम करने और ख़वातीन को ख़ुद एतमाद बनाने में बहुत अहम रोल निभा रहे हैं। ताहम सही हिदायत और रहनुमाई मिलने पर मज़ीद तरक्की की गुंजाइश है। मकामी, कौमी और बैनुल अक्वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।